मद्रास हाई कोर्ट का बहुत बड़ा ऐलान, टिकटॉक होने जा रहा है बैन। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ रवि और आप देख रहे हैं रवि टेक टीम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया में टिकटॉक बैन क्यों होने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं टिकटॉक को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद में इसके बारे में बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो ये बैन होने का एक ही कारण हो सकता है कि इंडिया में जो है बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और वो अपने कैरियर को लेकर के ज़्यादा सीरियस नहीं हैं और वो जो हैं अपने मतलब कि टिकटॉक पे ही स्टार बनना चाह रहा है। इसका रीज़न क्या है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आजकल हर गली में जो है एक टिकटॉक स्टार घूम रहा है और टिकटॉक स्टार लोग जो हैं किस तरह से उनका बिहेवियर है जो देख रहे हैं बच्चे वही सीखेंगे, क्योंकि कहावत कहीं ना कहीं सही है कि बड़े को देख करके ही बच्चे जो हैं अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं। जैसे समाज में पलते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में बच्चे रहते हैं वैसे ही अपना पलते हैं। हालांकि टिकटॉक की तरफ से जो है बहुत ही अच्छा एक पॉलिसी है जो कि मतलब टर्म्स एंड कंडीशन जिसको कह सकते हैं कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं टिकटॉक पे लॉगिन नहीं कर सकते, अपना अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना भैया, वो तो 13 साल से अधिक उम्र डाल करके और वो जो है अपना अकाउंट चला रहे हैं, खूब थिरक रहे हैं, मतलब डांस कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों बच्चों को देख के अच्छा लगता है भैया। हालांकि अगर बात करें तो टिकटॉक काफ़ी अच्छा इंटरटेनिंग चैनल है, सॉरी प्लेटफॉर्म है, जिसपे जो है आप कंटेंट में आकर के अपना इंटरटेनमेंट कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। और कोई भी चाह रहा है आजकल की जो है अपना टिकटॉक पे ही इसको एज अ मतलब कि कैरियर एज अ फ्यूचर इसको चूज़ करके इसमें आगे बढ़ने को। लेकिन अगर बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि जो है टिकटॉक को जल्द ही बैन किया जा सकता है। हालांकि आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, हम इसके ऊपर हो सकता है एक और भी वीडियो बना सकते हैं। लेकिन आपको बता दूँ कि इस पर बहुत सारे यूट्यूबर जो है वीडियो बना चुके हैं इसके बारे में, उन्होंने भी बताया कि टिकटॉक को बैन किया जा रहा है। हालांकि टिकटॉक पूरे एप्लीकेशन को बैन करना इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये तो वही वाली बात हो गई कि यदि बच्चे जन्म लेते ही ज़्यादा जासूसी कर रहे हैं तो बच्चे को पैदा ही ना करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चे पैदा हो तो उनको भैया अच्छी खासी मतलब इन्वायरमेंट पे रखो और उनको जो है मतलब अच्छी शिक्षा दो जो कि फ्यूचर में जा कर के कुछ गलत काम ना कर सके, और उन्हें एहसास दिलाओ कि भैया गलत गलत होता है और सही सही होता है। सो आप समझ सकते हैं, और टिकटॉक को बैन करना ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हम भी इसके ऊपर फिर नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।